पब्लिक स्पीकिंग में
माता जी लोग का नाम, माता जी आपका माता जी उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है बच्चों के पीछे, 8 दिन से अपना घर वर सब काम छोड़कर बच्चों के पीछे लगी हुई है। कंचन चावला माता जी खड़े हो जाइए। आज ये भी जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, कटवर्क देख रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं, सब ये माता जी ने बच्चों को सिखाया है। तो ये माता जी बच्चों के साथ में 7 दिन तक लगी रही हैं, है ना? और बाकी का कार्यक्रम अपन शुरू करते हैं प्रभु जी। जी बिल्कुल माता जी, अब एक के बाद एक हीरो को प्रकट करते हैं जिन्हें हमारे टीचर्स ने निखारा है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रोग्राम से। हरि बोल। हमारे महात्मा प्रियदास प्रभु अभी थोड़े देर में वो आने वाले हैं। उनका सबसे बड़ा सहयोग है, उनने सारा ये कैंप का इंतजाम किया है और रूपरेखा उन्हीं ने तैयार किया है। तो अभी आए के आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे। चलिए प्रभु जी अब अपन कार्यक्रम का आनंद लुफ्त उठाइए, आनंद उठाइए। माफी माता जी आप अपने बच्चों को कीर्तन के लिए ले आइएगा। विष्णु जी के अवतार हैं, उनको अगर कोई देखता है तो डर लगता है कि नहीं? उनका ऐसे मतलब भयंकर उनका रूप है। लेकिन प्रह्लाद महाराज जो कि एक छोटे से बच्चे, 5 साल के बच्चे थे, उनकी पुकार से, उनकी प्रार्थना से भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम छोड़ के एक स्तंभ में वो प्रकट हो गए। तो प्रह्लाद महाराज की तरह हमारे ये छोटे छोटे बच्चे अभी भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Thank you.
मानते थे। उन्हें नाना प्रकार के प्रताड़ित किया प्रहलाद जी को। तो वो विष्णु के भक्त थे और नरसिंह देव विष्णु तत्व है। वो विष्णु वो प्रहलाद के भक्ति से इतना प्रसन्न हुए और जैसा उनको बता दिया गया था कि मैं किसी तरह से ना मरूं ऐसा घृणा कश्यप ने कहा था, तो भगवान ने उसके अपोजिट सारे चीज को नर और सिंह के अवतार में लेके और भक्त प्रहलाद की रक्षा की और घृणा कश्यप का वध किया। ये है हमारे परम परमात्मा घृणा कश्यप जी। जय हो घृणा कश्यप जी। नरसिंह देव की आरती गाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के प्रति उनकी आस्था और प्रकट करने के लिए और उनको खुश करने के लिए हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे और एक डांस नृत्य का आप सभी को प्रस्तान करेंगे, जिन्होंने ये नृत्य जो है माता जी ने इन सभी बच्चों को सिखाया है। हरे कृष्णा।
बुद्धि और अग्नि के द्वारा वहाँ जब पहुँच जाता है वह लौट के भौतिक जगह पर नहीं आ पाता। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं खेलते में बच्चों को इस श्लोक सिखा सकते हैं और बच्चे मस्त
अपने बच्चों को भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, उसमें कितने श्लोक है, उनके सारे चरित्रों को आप जरूर बताइए, एक कहानी के रूप में बताइए ताकि उनको भी बोरियत ना हो। धन्यवाद प्रभु जी। आगे का कार्यक्रम है आपका डुएट डांस है, माता जी के द्वारा तैयार हुआ, दिव्या माता जी के द्वारा तैयार किया हुआ डुएट डांस, आप इंजॉय करिए, बहुत जबरदस्त है। About their benefits.
बैक साइड, यहाँ पर ओनली पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। हरे कृष्णा टू एवरीवन प्रेजेंट हियर, आई एम योर मदर, आई एम हियर एक्सपीरियंसेस और समर कैंप ऑफ इस्कॉन समर कैंप 2024। द कैंप वाज अ वन वीक स्टार्टेड ऑन 29th ऑफ अप्रैल। ईच डे वाज अ न्यू जॉय लाइफ, लर्निंग न्यू थिंग्स विद माय फेलोमेट्स। आवर डे स्टार्टेड बाय डूइंग योगा, देन श्लोका, learning dance, music, drama, and ended by some acupressure skills. Wait, there's more to add in it. We also played some interesting games like music and chairs, museum guard, and more. And if it was not enough, then our pretty Matajis gave us yummy prasadam like types of juice, then variety of lunch, and different evening snacks. All the prasadam was full of nutrients and blessing of our Lord Jagannath. Then on fourth day we went to Goshala and had lassi and kulfi. I really like this summer camp. A very much hari bol to all the Prabhuji's and Mataji's who guide us through this path. I'm very much looking forward to बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर अपने शब्द बयां करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है
धर्म के चार हैं, जो कि होते हैं पहला तप, दूसरा सत्य, तीसरा दया और आखिरी पवित्रता। तप हमें साधना और संयम सिखाता है, जिससे हम अपनी परिस्थितियों को समझ और सुलझा सकते हैं। सत्य जो हमें हमेशा सत्य रहना सिखाता है, एक सत्य व्यक्ति अपने और अन्य परिस्थितियों को स्वीकार कर सकता है। पवित्रता, एक इंसान तभी पवित्र होता है जब अपने तन मन और विचार से शुद्ध हो। दया, दया हमें दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव की शक्ति प्रदान करती है। एक व्यक्ति अगर इन सारे गुणों से संपूर्ण है तो एक सज्जन व्यक्ति। धन्यवाद। देखिए ये बच्चे लोग ना, उनको इतना शरारत करते रहते पूरा दिन, बट फिर भी जब उनको बोला गया कि पब्लिक स्पीच बोलो करके, उन्होंने उनका डेडिकेशन दिखाया। और बच्चे लोग आपका सामने है, इज डूइंग हिज बेस्ट, बट देन यू शुड डू द रेस्ट। कैसे? बाय एनकरेजिंग देम। जो भी बच्चा आएगा, यू हैव टू क्लैप हैंड्स एंड एनकरेज देम। ओके, थैंक यू वंस अगेन। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स कौन है? भाषा को क्या हो रहा है? है क्या हो रहा है भाषा को? ये अपन कुछ ड्रामा वामा कर रहे हैं। अभी सर्किट भाई आएगा, मुन्ना भाई आएगा, ड्रामा करेगा। आप देखिए, देखिए आपके बच्चों ने कितना अच्छा पब्लिक स्पीकिंग दिया है, कितना कॉन्फिडेंस उसमें। आप माता पिता लोगों को कितना गर्व महसूस हो रहा है। अभी तो थोड़े देर बाद स्टेज में आएंगे, सर्किट आएंगे, मुन्ना भाई आएंगे, आप वो भी एंजॉय करिए। लेकिन बच्चों को इंकरेज करिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। तालियों की हरे कृष्णा। तो बच्चों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया इस ड्रामा के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप जो भी बच्चे का डायलॉग है उसमें जोर से तालियां मत बजाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डायलॉग अपना भूल जाते हैं। हम एक बार में जब ड्रामा खत्म होगा तो जोर से तालियां बजाएंगे ताकि उनका उत्साह बढ़े। तो अभी मैं चाहूंगा कि ड्रामा ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो पहले इस यहाँ पर लाइन बना के खड़े हो जाएंगे, जैसा उनको सब देख सकता हूँ। समस्या है
वैसे ये बताओ समोसा किस चटनी के साथ खाए थे? लाल चटनी या हरी चटनी के साथ? हरी चटनी के साथ। वही तो कृपा होती है, जाओ और लाल चटनी के साथ खाओ, कृपा बनी रहेगी तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी होगा। डबल बी ए करो। बी ए बी ए जय बाबा। जय हो बाबा की जय। अब बाबा की चौकी समाप्त कर डबल बीए कर लो, बीए बीए बाबा बन जाओ। हैं? अभी बोलेगा कि बाबा मेरे को क्लास में फर्स्ट आना है, तो बाबा बोलेगा फर्स्ट आना है शिमला के लिए, तो बाबा वो बोलेगा नहीं, ये बोलेगा एक काम करो एग्जाम से पहले शिमला घूम के आ जाओ, हैं? आखिरी से नंबर वन आओगे। ये क्या चल रहा है भाई? ये सब ये ढोकोसला सब बेकार है, सब बेकार है। ये सर्किट अपुन को गुरु मानता है, गुरु खड़े हो जाए, पैर ऊपर खड़े, वृक्ष जैसा अपने आप को
नहीं होगा। ए बाबा ए इससे ये गोगा होगा होने नहीं वाला रे, कुछ अलग कुछ ऐसा नया नया टाइप का कुछ बता ना बाबा। अभी अभी हम प्राणायाम करेंगे तो सभी बैठ जाए। प्राणायाम वाणायाम यार अपना कुछ होने नहीं वाला इससे। ए बाबा एक बात बता मेरे को, तू बोले रहा है कि एक्सरसाइज करने से ज्ञान आता है, वो बुद्धि बुद्धि बढ़ती है, ये ऐसा है तो अखा जिम्नास्टिक वाले तो सीधा भगवान के पास ही जाएंगे ना रे। बोला सही बोल रहे और ऐसा ये रॉकेट के जैसे उड़ रहा है, ऐसा लगता है यहाँ से ध्यान करके सीधा भगवान धाम जाएगा। ये ऐसे वैसे करने से भगवान नहीं मिल रहे। ये छोटी लड़की भी कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है? अच्छा टाइप करने तो सकती आती सकती हाथ पेट टूटे रहे हैं और ये तो अपुन कर रहे हैं, महिलाएं भी नहीं कर पाएगी बाबा। तो इसका मतलब बेटा ये आसन सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। दिल्ली बाबा इसका मतलब सारे पुरुष भगवान के पास जाएंगे, महिला को तो चांसेस नहीं है। एक सर्किट ये खाली पॉकेट टाइम कोटी कर ले रहे हैं, ये उड़ा डाल रहे इसको, उड़ा ये उड़ा डाल रहे टोचन लेके। भाई टोचन की साथ साथ पीस भी देते हैं जाओ। ए भाई टोचन का मतलब नहीं समझ रहे ना है, टोचन मतलब पिस्टल। बार बेटा बार अपने को तो सही गुरु नहीं मिला। तेरे पहचान करे कोई जिलबिली विलबिली टाइप का? अपन जानते हैं जिलबिली का ये पास में रहती है, आपको उसके पास लेके चलते हैं। चल चल
सर्किट ये कैसा चक्कर है भाई, हाँ? ये चिनमिली अपने आप को बोलते हैं भगवान, हाँ? ये भगवान कैसे हो सकती है? ये तो अपने पेट के गुड़गुड़ को रोक नहीं सकती, ये भगवान कैसे हो गए? ये सर्किट दिखा रहे, इसको भी टॉर्चर दिखा रहे। हाँ भाई, कैसे? ओ माय गॉड, रुको, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। सर्किट कौन है रे? कौन है? कौन है? मैं किशन भगवान हूँ। अल्लाह, किशन भगवान? तो भाई तो लंबा लंबा फेंक रहे भी है भाई। ए तू किशन भगवान है तो अपना विराट स्वरूप दिखा। मुझे वो मेरे विराट स्वरूप वाला कैमरा तो वीडियो तो सुना ऑन करना। वो विराट स्वरूप का वीडियो वो तो बन नहीं गया है, अभी सी आई भी खराब हो चुका है। हो गया, एक काम कर, देख टॉर्चर इसको और निकाल यहाँ से, निकल। बेचारे झेल रही भाई, नहीं कर पाई मुन्ना सर्किट को इम्प्रेस। चलिए चलते हैं ऐसे गौर गुरु के पास और देखते हैं क्या मुन्ना सर्किट उनके शिष्य बन पाएंगे। देखते हैं। भाई भाई भाई, मैंने सुना कि आपको गुरुजी की जरूरत है। गुरुजी की? अरे कब, किसको जरूरत नहीं है गुरुजी की? चलिए मैं आपको अपने गुरुजी के पास ले चलती हूँ। अपने गुरु के पास ले चलती है? ऐसा क्या है स्पेशल तेरे गुरु में? मैं आपको क्या करूँगी, कहने की कसम। कहने की कसम? आइला चल रे सर्किट, देख के आता है कैसा गुरु है। रही गुरुजी, गुरुजी ने मेरे आपके लिए भक्त लाए हैं। ए गुरुजी, ये क्या अनुमान ले रहा है तू? आपका बिलासपुर तेरे चरणों में पड़ा रहता है, क्या है ऐसा स्पेशल तेरे में? देखो, ज्ञान के लिए साधना की जरूरत है और साधना के लिए सबसे जरूरी है एकाग्रचित होने यानी कॉन्सेंट्रेशन की, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है बुरी आदतें छोड़ने के लिए। बुरी आदतें जैसे गुटखा, पान, मसाला, तंबाकू, धूम्रपान आदि, ये सब नहीं करना चाहिए। इतना इंप्रेस करने के बाद साला खुद ही पॉकेट से निकाल के गुण का ले रहे हैं भाई। ये वाइच कर रहे हैं जो ये मना कर रहा है। ये सके कैसा बाबा है ये? पहले बोलता है नहीं करने का और फिर खुद ही निकाल के खुद ही कर रहा है, क्या हो रहा है बाबा? वो छोड़ो, ये बताओ अगर हम आपके साथ हो गए तो क्या आप हमारी धनराशि बचा पाएंगे? चले, अभी अपने आप को भगवान को लेना है और अब उनसे मदद मांग लेना है।
शरण ले जीवन सफल हो जाए। जीवन सफल हो जाएगा और संपन्न भी हो जाएगा। साहिला अपने को इच्छा भगवान बोल के अपने सही मदद मांगता है और फिर अपने इच्छा को बोलता है जीवन सफल हो जाएगा। ये पूरा कंफ्यूज आइटम है। हाँ तो चल रहे इसको निकाल यहाँ से। तो चल से अच्छा बेटा प्लीज दे जाओ। ये समझा नहीं रहे सर्किट, समझा रहे इसको। ये सर्किट नहीं होगा रे आपने, नहीं होगा रे बाबा। आपका बिलासपुर चार मारा रे, अपने को असली बाबा मिली नहीं रहा है। भाई अपन तो वही चिकानी गिरी वाला स्टाइल अच्छा था भाई। आपको आपको सब को शोकेगा, सब को शोकेगा वापस से। ये गुरु तो सब बेकार है, सब बेकार। चल बेचारा मुल्ला निराश होकर सब भगवान पे छोड़ देता है। गुरु धुने का तो प्रयास असफल हो जाता है। और तभी इस्कॉन बिलासपुर द्वारा आयोजित हरिनाम नगर संकीर्तन में महात्मा प्रियदास प्रभु जी मुन्ना को हरिनाम संकीर्तन करते हुए मिलते हैं। हरे कृष्णा बोलेंगे, अभी हरे कृष्णा बोलना चाहिए क्योंकि हरे कृष्णा बोलने से हमारा सम्मान बढ़ता है। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप लोग बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखा है आप लोग को जब हरे कृष्णा करते नगर संकीर्तन में निकल के ऐसा बढ़िया बढ़िया खुश लग रहे हैं। क्या आपको सुना कि आप लोग बोले जाए कि हम लोग भगवान का सेवक है, लेकिन अपुन तो सबसे सुन के आए अभी कि अपुनिच भगवान है, अपुनिच भगवान है, अपुनिच भगवान है। ये क्या है? शास्त्र लिखा है कि जीवन स्वरूप कृष्ण नित्या दास, इसका मतलब हम सब लोग भगवान के दास। जो दास है वो हमेशा बिंदास है और जो दास में है वो हमेशा उदास है। तो हरिनाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा, सबको उदास करने लाए। यहाँ पर प्रभु जी सबको एकदम हैप्पी हैप्पी बना रहे हैं। प्रभु जी एक चीज और बताना, ये चवनप्राश बाबा कुछ तो बोले लगना से, ये दूध दही बादाम खाने से शक्ति मिलती है और ददामी क्या था सर की? अरे भाई ददामी बुद्धि योगम तम। अच्छा ऐसे बोलोगे भाई, इसका क्या मतलब क्या है? गीता में भगवान कहते हैं कि तेषां स्मृतानां कृते कृते योगम तम, मतलब जो भगवान का नाम लेते हैं क्योंकि मलिन मन का हर बात बेकार है। हरि नाम साध है ये हमारा राधा कृष्ण आधार, जगन्नाथ हमारे गौरव का महाप्रभु के आधार है। जब हमारा मन भगवान का नाम में है भगवान रहेंगे हमारे काम में, जब हमारा मन हमारे काम में रहेंगे वो रहेंगे उनका दान में। इसलिए सबका जीवन बिगड़ा है रक्षक तगड़ा है, तो है भगवान का नाम। हरे नाम केवल नास्ते 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 अन्यथा
तो कलयुग में एक ही मार्ग है जिसे हम संतुष्ट हो सकते, वो क्या है? भगवान का पवित्र नाम। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 उसके लिए मंत्र गुरु का आवश्यकता है। जैसे आप सब लोग जाते हैं स्कूल, तो वहां पर हमको टीचर का जरूरत पड़ेगा। उदाहरण अभी इस्कॉन बिलासपुर में एक बढ़िया सा मतलब छत्तीसगढ़िया तो सबसे महत्वपूर्ण समर कैंप हुआ था, और उस समर कैंप में भी हमारे समर कैंप में ऑलमोस्ट 14 टीचर्स थे। तो टीचर की वजह से ही आज लोग अब देख सकते हैं कि बच्चों ने कितना सुंदर से वो प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? गुरु का आवश्यकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बाबा आपने तो सब समझ में आया। हरे कृष्णा ही बोलने वाला है। हरे कृष्णा हरे उनके लिए जोर से बजाएंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे एक मुन्ना भाई के लिए भी गुरु का आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के बिना हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो इंद्रिया है, हमारा जो मन है, वो सब मलिन है। जब हम भगवान के सेवा में लगाएंगे तो पवित्र होता है, और उस स्थिति में हम लोग भगवान को भक्ति करेंगे तो इसका लाभ बहुत ही है। जिसे बोलते हैं हिंदी में, जिसके भंडारा लाइफ बन गया जिंदा लाभ वैसा। हरे कृष्ण अच्छा से रवि जी फोन नीचे करेंगे। माता जी आपसे कहती है कि प्रभु जी हमारा आखिरी प्रोग्राम है,
वो आप इस दिन में बच्चों का उत्साह वर्धन करिए, अपनी भावना प्रकट करिए कि इस 7 दिन के समर कैंप में आपके बच्चों ने क्या सीखा, उनको क्या प्राप्ति हुई और कैसा लगा आगे समर कैंप में भेजने के, और खासकर एस्कॉन के समर कैंप का। बाकी समर कैंप होते हैं लेकिन हमारे एस्कॉन के समर कैंप का क्या आप लोगों को फायदा हुआ, बच्चों का क्या प्रोग्रेस हुआ, ये सब आप आगे 2-2 मिनट में अपने मंतव्य प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद। भगवान की लीलाएं बता रहे
हैं और होनी चाहिए। और कोई भी यहाँ से प्रोग्राम हो हमको इनवाइट किया जाए तो हम शामिल होंगे। धन्यवाद धन्यवाद। उसके बाद सब लोगों के लिए आज के लिए करने का लव फीस प्रसाद लंबी है और भूलिए मत आप लोग आके फोटोज ले सकते हैं और पेरेंट्स को मेरे से बातें कर सकते हैं। मैं उनको फीडबैक भी दे सकता हूं पर्सनली। ओके व्हाट्स नेक्स्ट। तो अभी अगर किसी के यानी माता पिता को आप अपना फील शेयर करना है तो आ सकते हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि ये जितना भी आर्ट आप देख रहे हैं ये हमारे समर कैंप के बच्चों ने ही बनाया है। और यहाँ पर ये सारा आर्ट एंड क्राफ्ट को सिखाया है। आप आइए और देखिए कि ये अद्भुत बहुत ही ज्यादा अद्भुत आर्ट एंड क्राफ्ट आपको मिलेगा। और ये एक सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर इधर फेस रख के हम फोटो खिंचाएंगे। तो जैसे ही आप कैसे और कोई अगर शेयर करना चाहेगा वो हो जाता है कि एक एक करके आप लोग आइएगा और सेल्फी पॉइंट पे फोटो खींच कर दिया आइए। मतलब तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चों को इस तरीके से एंगेज रखे और बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। मुझे अपने बच्चों को बहुत परिवर्तन देखने को मिला है उनके आचरण में, उनके बोलने में, उनके उठने में, उनके बैठने में और अपनी व्यवस्था में। उनके बच्चे सुबह उठकर इतने एक्साइटेड रहते थे आने के लिए कि स्कूल जाने के लिए, पिकनिक के लिए भी शायद इतने एक्साइटेड नहीं होते। और जब मतलब हम वेट करते हैं कि वो घर आए और हम मतलब उनको मिस करें तो वो हमें मिस नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हमको वहाँ मज़ा आता है, मतलब बोलते हैं हमको जीतने के बाद तुम आके याद नहीं आती वहाँ पे। तो मैं माहौल का भी और भगवान के चरणों में भी और प्रभु जी के चरणों में भी अपना सादर धन्यवाद करती हूँ। तो उनके वजह से समर कैंप हुआ है। और हम उनसे सुनते हैं कि बच्चे लोगों के पेरेंट्स के लिए मैसेज। हरे कृष्णा। तो समर कैंप से सबसे पहले तो मैं महात्मा प्रिय प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे को भी मौका दिए कि मैं भी बच्चों के लिए कुछ कर पाया। जो है श्रीमद् भगवद् गीता पे कुछ बच्चों के लिए बोल पाया और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। बच्चे पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, बहुत चीज़ें सब सीख रहे थे। और यहाँ पे जितने भी टीचर्स थे वो सब लोग अच्छे से बच्चों को बहुत श्लोका लर्न करा रहे थे और नैतिक मूल्यों को बहुत ढेर सारी शिक्षाएं दे रहे थे। तो मेरे लिए भी ये समर कैंप मैं पहली बार पार्टिसिपेट किया तो बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। और बच्चों को बहुत कुछ सिखाने को मिला, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे समर कैंप के सारे टीचर्स को, महात्मा प्रिय प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो जी आपने दो तीन क्लास बच्चों के लिए आपने एक पॉइंट बोला सफलता के बारे में, तो एक दो पॉइंट बोल सकते हैं सबके लिए क्योंकि आपके वजह से बच्चे लोग अपने पेरेंट्स को चॉकलेट देते थे। प्रभु जी ने मेरे को टॉपिक दिया था कि चूंकि बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रभु जी मेरे को जो टॉपिक दिए थे बोले थे कि सक्सेस पे आपको बोलना है और वो कंटेंट श्रीमद् भगवद् गीता से होने चाहिए। तो मैं बहुत दिनों से इसके लिए प्रभु जी के गाइडेंस में तैयारी कर रहा था। तो जैसे मैंने बच्चों को सबसे पहले कि अपने मन को हम अपना मित्र कैसे बना सकते हैं इस पे बच्चों के लिए एक प्रभु जी के मार्गदर्शन में एक मैसेज दिया गया जिसमें मैं उसको श्लोक को बोलना चाहूँगा। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद् गीता में बोलते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनः बंधुः आत्मा एव हि रिपुः आत्मनः। जो अपने मन को अपना मित्र बना लिया वो समझ लीजिए कि इस जीवन को, इस आत्मा को और इस मध्य को, इस बद्ध जीवन को जीत लिया और उसकी क्या उसको क्या मिलेगी? सक्सेस।
तो बच्चे ये सारी चीजें यहाँ से सीख के गए हैं और बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं बोलने के लिए। मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि बच्चों को और जैसे श्री भगवान की चरणों में कैसे उनको थोड़ा समय निकाल के ये सारी चीजें देने के बाद बच्चों को बताया गया कि हम कैसे 5-10 मिनट हम स्कूल में ट्यूशन में घर पे जैसे हम 10-12 घंटे तो पढ़ाई करते ही हैं तो बच्चों को यहाँ पे बताया गया कि कैसे 10-15 मिनट जो है जो कि हमको बुद्धि देते हैं हमको हमारे मन है श्री भगवान हमको स्मृति देते हैं हमको मेमोरी देते हैं तो कैसे उनको जो है हम प्रसन्न कर सकते हैं कैसे 5-10 मिनट 15 मिनट दे के हम उनकी उनको खुश कर सकते हैं तो वो श्लोका बताया गया था। कोई बच्चा है तो इसमें से बता सकता है पत्रम पुष्पम आइए तो उनसे सुनिए कि कैसे इनको क्या बताया गया कि भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं सिर्फ 10-15 मिनट प्रयास करें। पत्रम पुष्पम फलम तो यम योग में भक्ति अप्रेक्षति तदनम भक्ति बहितम अष्टामि प्रेताकुलम। तो ये बहुत सरल विधि कैसे बच्चों को बताया गया कि हम एक फूल चढ़ा के भगवान को क्या चाहिए उनको पत्ते चाहिए उनको फूल चाहिए उनको फल चाहिए उनको जल हम अर्पित कर सकते हैं। हमारे घरों में तुलसी जी हैं तुलसी जी को हम थोड़ा सा जल चढ़ा के जल दे के हम कैसे श्री भगवान को खुश कर सकते हैं तो ये सब बच्चों को सिखाने में बहुत ही अच्छा है और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं श्री महात्मा प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस्कॉन बिलासपुर के इस शहर के उनके जितने टीचर्स हैं और यहाँ पे जितने भी जो भी टीम है श्रीमान जुगल किशोर प्रभु जी महात्मा प्रभु जी और समस्त इस्कॉन बिलासपुर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। समर कैंप में पहली बार मैं अपनी बेटी को भेजा क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ और पिछले 1 साल से मैं स्थान मिला रेगुलरली आ रहा हूँ और पहली बार मुझे मौका मिला कि जाना चाहिए बच्चों को देखने के लिए क्या कर रहे हैं। और इससे पहले मेरी बेटी 9th क्लास में भी आई और उसके पहले बहुत सारे समय कैंप हमने भेजे हैं रेगुलरली 4-5 समय कैंप कहीं ना कहीं वो गई है रेगुलरली जो कमर्शियल स्कूल्स में होता है। पर जो बदलाव हमें देखना चाहिए वो आशा भी कभी मिला नहीं कि बच्चों में कोई पॉजिटिव हाँ खेलने कूदने के लिए जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए डांस ड्रामा के लिए लेकिन जो जैसे बच्चे यहाँ पे सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है और उसको एक बार भी घर भी याद नहीं आई तो ये भी सक्सेस है कि जब भगवान के चरणों में मन लग जाता है तो हमारे जो बद्ध जीवन की जो आदत है वो छोड़ जाती है सबसे बड़ी बात ही है। और मैं 1 साल से जुड़ा हूँ मैं भी अब माला करता हूँ तकरीबन मैं भी अब प्रभु जी के संग में आके समय में मैं माला कर रहा हूँ बल्कि बच्ची को प्रयास किया कि बेटा तू भी एक माला किया। पर यहाँ आने के बाद उसके दूसरे दिन मुझे बोला कि पापा आज 8 माला चाहिए तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है जो एक नहीं करती थी 8 कर दिया तो ये अच्छी बात है उसके लिए महात्मा के साथ प्रभु जी का आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत बदलाव बदलाव लगा है। और ये सारे छोटे बच्चे भी एक हिसाब से कच्ची मिट्टी के घड़े हैं अगर हम इनको अभी ढाल लेंगे तो प्रभुपाद जी का जो मिशन है वो तो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि यही आने वाले समय के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं हरिनाम संकीर्तन तो साथ में और जीव गोस्वामी प्रभु जी के बारे में बताया जब उन्होंने बहुत कहता है कि ढोल सिखाए और वाद्यंत्र सिखाए हैं तो मैं 3 दिन से वो कह रही पापा करवा लेना आप क्यों नहीं जा सकते क्षमा चाहूँ की बेटी से मैं जा नहीं पाया लेने के लिए तो थैंक यू आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके हरे कृष्ण। अभी हम लोग एंडिंग में आ रहे हैं तो अभी बच्चों को प्राइजेस देने पहले उनको इतना प्रोत्साहन कहाँ से आया बच्चों के लिए स्पेशल प्राइजेस गिफ्ट्स और बहुत कुछ है। ओके हरे कृष्ण जी।
को, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया हम लोगों में। और मैं धन्यवाद दूंगी अगेन सभी प्रभु जी लोगों को, माता जी को, हरे कृष्ण। मैं एक कहावत है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो गीता पढ़ा देश। हमारे बच्चे लोग समस्या बनाए थे और उतना सुंदर से वो स्लो कंटेस्ट भी किया और उसका मीनिंग भी बोलने लगे। तो अभी मैं इस समय के जो मेन टीचर्स हैं उनको विनती करता हूँ, पहले से रिक्वेस्ट नीलेश अग्रवाल यहाँ पर उपस्थित है, नीलेश अग्रवाल को इस आइए। तो आई रिक्वेस्ट नीलेश अग्रवाल को व्यस्त है, बैंक में काम करते हैं, फिर भी उनको समय दिया था समर कैंप के लिए। और उनका एक प्लान था कि हम लोग बच्चों को लेकर जाएंगे कहाँ पर, गौशाला के। तो मैं प्रोफेसर निधि कहता हूँ कि दो मिनट के लिए आप कुछ संदेश दीजिए। थैंक यू हरे कृष्ण। तो जिस एक दिन हम गौशाला गए थे सभी बच्चों को लेके, वहाँ पर मेरे प्रभु जी के निरीक्षण है, वो गौशाला नेमन प्रभु जी और उनकी माता जी जो है उनके भाई जो है वो बहुत अच्छे से 100 से अधिक गाय वहाँ पर हैं जिनको वो देखते मतलब डेली सेवा करते हैं और मतलब बहुत इतना मन से गाय की सेवा करते हैं। तो उस विजिट का पर्पज़ ये था, आजकल हम गाय की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में है वो हम भूल गए हैं, तो वो चीज़ बच्चों में वापस आए, इसलिए प्रभु लोगों ने ये प्लान किया था कि एक दिन हम गौशाला जाए। और भगवान कृष्ण भी देखिए मुख्य रूप से गौ के साथ खेलते हैं, गौ बालक हैं, है ना। तो गौ से वापस हमारा जुड़ाव हो, बच्चों का वापस उनके प्रति रुचि हो, इसलिए हम एक दिन गौशाला फिर ऐसा प्रश्न करेंगे। थैंक यू हरे कृष्ण। और एक पेरेंट्स है जो बोलने के लिए उत्साहित है, उनको बुलाऊंगा, आइए मंदिर में। तो इनका बेटा का नाम है हरियन प्रभु, जो अभी दो मिनट पहले श्लोक बोला था, क्या श्लोक था वो, पत्रम पुष्पम फलम गोविंद, हरे कृष्ण। यहाँ उपस्थित सारे प्रभु जी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। हो सकता है बोलते बोलते भावुक हो जाऊँ क्योंकि मैं ऐसे माहौल पर अक्सर भावुक हो जाती हूँ, और मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ कि मेरा बेटी में क्या चेंजेस आ रहा है वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं यहाँ इस पर क्लासरूम के सारे प्रभु जी माता जी और जितने भी टीचर्स हैं सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग रायगढ़ से हैं और मैं यहाँ इस पर से ऑनलाइन 3 साल पहले जुड़ी थी, तो मुझे नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ इसका संस्कार है। तो मैं ऑनलाइन देखते देखते मुझे पता चला कि बिलासपुर में है, तो हम 1 साल पहले यहाँ आए थे, तो प्रभु जी ने उस टाइम हम लोगों का नंबर ऐड किया था, तो मुझे पता चला लास्ट ईयर भी यहाँ समर कैंप हुआ था और इस बार भी समर कैंप हुआ है। तो मेरा बेटा एक्चुअली जब हम लोग ऑनलाइन जुड़े थे तो हिमसेल्फ वॉज वेरी इंटरेस्टेड और वो अपने से मतलब भक्ति में उसको इतना ज़्यादा था कि मैं ऑनलाइन क्लास करती थी लेकिन ज्ञान उसको ज़्यादा आता था। हमारे जो गुरुजी थे तो बोलते थे आप बच्चे को पढ़ा के लाए थे क्या, तो हम नहीं पढ़ाते थे, वो पढ़ता कहीं और मैं क्लास कहीं और करती थी लेकिन उसका ध्यान उसमें था, तो उसको थोड़ा सा इस मार्ग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरा हर किस्म रहता है तो मैं इतना सिंसियरली नहीं कर पाती हूँ, पर वो डेली माला करते हैं और हरदम उसको मतलब सेवा करना भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही चाहती हूँ कि एज ए मदर एज ए पेरेंट्स हम लोग चाहें कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जा पाऊँ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एज ए पेरेंट्स मुझे ये बात में उसको इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका खुद का इंटरेस्ट है। अगर मेरा जो इंटरेस्ट है मैं उसको इम्पोज नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो खुद इंटरेस्टेड है तो मैं उसको एक लाइन देना ज़रूरी है, आगे क्या होगा उसका अपना चॉइस है। तो इसलिए मैं यहाँ जो प्रभु जी हैं महात्मा प्रभु जी गोस्वामी प्रभु जी और जितने भी प्रभु जी माता जी रिलेटेड हैं यहाँ एसोसिएट हैं सबको मैं धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग रायगढ़ से हमारे यहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, पर प्रभु जी मेरे बेटे के ऊपर बहुत कृपा करते हैं और वो हरदम लास्ट ईयर भी इन्होंने मुझे यहाँ हम लोग को 7 दिन टाइम दिया था रहने का, वो यहीं पर ही रहता है यहाँ से भी वो अपनी मतलब सारे भक्तों के एसोसिएशन में रहता है भक्ति सीखता है और वो जो भी हमको नहीं मिलता है रायगढ़ में और वहाँ यहाँ 7 दिन वो रहता है, तो मुझे लगता है चलो साल में 7 दिन कम से कम उसको भक्तों का एसोसिएशन मिलता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे बेटे के लिए कोई बहुत बड़ा चांस है। हो सकता है आगे जाके ये इसी चीज़ को चॉइस करे अपना आगे ले चले, लेकिन मुझे नहीं पता है, पर मैं चाहती हूँ कि एज ए पेरेंट्स मैं उसको दूँ, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ
हरे कृष्णा। तो एक्चुअली माता जी जितने भी इस दिन है वो एक्चुअली हमारा जो वरिष्ठ है यहाँ के इस्कॉन बिलासपुर है, यहाँ के जो मेन वरिष्ठ इंचार्ज है हमारा जुगल किशोर प्रभु, तो सब उनका कैडेंस से हम लोग कर रहे हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो कीर्तन के सम्राट है मतलब बिलासपुर के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, और वो यहाँ पर आके बच्चों को करता हारमोनियम सिखा देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट श्रीमान श्री जी गोस्वामी प्रभु प्रभु जी इस्कॉन बिलासपुर के दो बड़े महान भक्त हैं और वो कुछ शब्द भी बोलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हाथ बांटने प्रभु मुझे सेवा में देने के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इस्कॉन बिलासपुर के अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर प्रभु जी को, और उनकी कृपा के बिना ये कार्यक्रम उनके आशीर्वाद के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। तो प्रभु जी को और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी पेरेंट्स को, क्योंकि हम पेरेंट्स लोग हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है पूरा एकदम तुलसी हो, ठीक है, अच्छा बने, लेकिन हम अच्छा नहीं बनना चाहते, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हम अगर बच्चे को कुछ बोलते हैं करने के लिए कि ये करो, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, लेकिन हम कुछ अगर गलत करते हैं और बच्चे क्या होता है, बच्चा जो है वो देख के सीखता है कि मेरे मम्मी क्या करती है, मेरे पापा क्या करते हैं, ठीक है। आप हमेशा उनको बोलो नहीं आप पढ़ाई करो, नहीं आप ये करो वो करो, लेकिन आप अपने जीवन में कैसे, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप भगवान को किस दर्जे में रखते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को आपके लाइफ में कितना मतलब वो इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको बच्चा जो है उसको देखता है और वही सीखता है। लेकिन हर मम्मी पापा का ये टेंशन है मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, लेकिन अपने लाइफ के ऊपर जो है झांक के नहीं देखता कि मैं कैसा लाइफ स्टाइल मैं ये कर रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हर मम्मी पापाओं से कि आप भी स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतारें थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं है, आप घर पे रहिए, थोड़ा थोड़ा करके स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतारिए। जैसा हम लोग यहाँ संडे को, हर संडे को यहाँ क्या होता है कार्यक्रम करते हैं, आपके जैसे ही कम से कम 150-200 भक्त लोग आते हैं, हाउस होल्डर्स आते हैं, आप में से भी बहुत सारे भक्त लोग आते भी हैं, इसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग जो है अच्छा पेरेंटिंग पेरेंट्स बन सके, ठीक है, पेरेंट्स के अच्छा पेरेंटिंग कैसे कर सके, बच्चों को कैसे हम लोग अच्छा शिक्षा दे सके। तो इस विषय में बहुत सारा चर्चा होता है, कीर्तन होता है, भगवान का नाम स्मरण होता है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर संडे को आप समय निकाल के, और बच्चों के लिए भी संडे को अलग से कार्यक्रम होता है, उनका स्कूल अलग से चलता है, भक्त प्रहलाद स्कूल, आप आ गए यहाँ, आप प्रोग्राम किए, बच्चे लोग वो अपना प्रोग्राम किए, तो ऐसे करके धीरे धीरे हम स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतार सकते हैं। बस इतना कहकर मैं विराम दूंगा। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे बच्चे, मैं अपना एक्सपीरियंस जो 5-6 दिन बच्चों के साथ रहा, बहुत मतलब सीखने के लिए कुछ सीखना है हमें, बहुत ही उत्सुक थे, और ये संस्कार जो है ये आप ही से आया है, आप ही लोगों से आया है इतना अच्छा संस्कार, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की अजय शर्मा प्रभु प्रभु जी के प्रयास से लगातार 6-7 दिन के लिए समर कैंप संभव हो गया। प्रभु एक मिनट के लिए मैसेज दे दीजिए। जैसा कि जुगल किशोर जी गोस्वामी प्रभु जी जैसा बोले हैं
वो मैं मैसेज फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, ये बच्चे अभी उत्साह में हैं, अभी ये बहुत कुछ सीख के गए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू करिए, कम से कम संडे को थोड़ा समय निकालिए, सेंटर आइए और बच्चों को साथ में लेके आइए, बच्चे इसको आगे कंटिन्यू कर सकेंगे जो है। हरे कृष्णा। तो अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो हम देख सकते कि इंस्ट्रक्शन कैंप का मेन आकर्षण चीज क्या है वो है नृत्य, डांस ना। तो आई रिक्वेस्ट नाउ दिव्या माता जी टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्लीज एक्सेप्ट दिस मोमेंटो। लेकिन जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो आपने यहाँ पे बच्चों के साथ करवाई है वो इनके अंतरात्मा तक को जो है परमात्मा से जोड़ने का काम करेगी। और न केवल बच्चे लोग यहाँ पे आकर के एक्टिविटी सीखेंगे बल्कि उनकी मन स्थिति भी बहुत बेहतर होगी सामान्य बच्चों से। आप अनकॉमन पर्सनालिटी बनाने के लिए अपने बच्चों को यहाँ पे भेजे हैं और इस चीज को कंटिन्यू रखेगा, इस्कॉन ब्रास्को से जुड़े रहेंगे। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली हमारे जो दो लोग सुनिए, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एस्कॉन बिलासपुर से माथा पीटा प्रभु जुगल किशोर प्रभु जी को, इन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया मुझे इस समर कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए। वैसे तो मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ और ये बात ज़रूर है कि अपने ज़िंदगी में मैंने कुछ ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिसके कारण मैं बैंगलोर में जाके वहाँ पर बहुत सारे बड़े बच्चों की क्लासेस देता हूँ और ऐसी ऐसी पढ़ाई हम कराते हैं क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन और उससे भी आगे की पढ़ाइयाँ हैं जिसको हम कराते हैं। पर उसके साथ ही साथ हम उनके हम हमेशा अपने स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि मुकाम हासिल करना एक बहुत ही बड़ी बात नहीं है, मुकाम कोई भी हासिल कर सकता है पर उस मुकाम को पाने के बाद आप उसको कैसे यूज करते हैं, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बहुत मायने रखता है। जैसे आप सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री का नाम अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री एक महीने पहले थे उनका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, संघर्ष करने से जब व्यक्ति अपने बातों को बोलता है तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे हमारे देश में बहुत नेताएं हैं जो बहुत अच्छे व्यक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन बोलने के बाद भी वो दिल को नहीं छूता है क्योंकि वो बहुत अच्छा बोले पर वो छुआ नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का परिश्रम नहीं खाली है। तो जब हम परिश्रम करते हैं अपने जीवन में कुछ हासिल करते हैं और उसे खुद इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में तब उसका प्रभाव दूसरे को पड़ता है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, कौन कौन जानता है डॉक्टर अब्दुल कलाम को, आप सभी जानते हैं, मैं जानता हूँ आप सभी जानते हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ये एक ऐसे व्यक्ति थे जब स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट रेडी थे फ्लाइट उड़ाने के लिए, रॉकेट उड़ाने के लिए रेडी थे और रॉकेट प्रॉपरली लॉन्च होने के बाद मिड एयर में क्रैश हो जाता है, फट जाता है। तो सब सब के सब जो डायरेक्टर थे ना उनके पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये इंडिया में रॉकेट फेल हो गया। और अब्दुल कलाम जी डायरेक्टर के पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने डायरेक्टर को हटाया, वो सामने आए और बोले ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और ये मेरे कारण फेल, इसमें इनका हाथ नहीं। पर जब उसी प्रोग्राम में हम सबसे पहली बार लूनर ऑर्बिट में पहुंचे तब सब के सब फिर से अब्दुल कलाम जी के पास आए और बोले अरे कांग्रेचुलेशन सर, आपके कारण ये सफल हुआ। और उन्होंने बोला
मैं तो था ही नहीं इस प्रोग्राम में, पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है? इन डायरेक्टर को जाता है। और आप में से कौन कौन जाता है कि लूनर मतलब मून के अंदर हम अब डार्क साइड में प्रवेश कर चुके हैं, कौन जानता है? और ये पता है किसके कारण है, किस व्यक्ति के कारण है? ये वही डायरेक्टर है जिसको डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या बोला था, ये सब किनके कारण है? इनके कारण। तो हम क्या सीखते हैं इसे कि लीडरशिप जीवन में बहुत 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 मायने रखती है। और लीडरशिप कहां से आती है आपको पता है? ये डॉक्टर अब्दुल कलाम को नेचुरली नहीं है, ये लीडरशिप जो क्वालिटी है ये इनके माता पिता ने इनके अंदर डाला था। अगर आप पिक्चर में अभी भी देखते हैं, एक फोटो खींचे, गूगल में आप सभी टाइप करिए कि हमारा इसरो का पहला जो रॉकेट था वो साइकिल पे रखकर लेकर गए, साइकिल में, आप समझ रहे हैं, साइकिल के पीछे। अगर कोई देखेगा तो बोलेगा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही था, रॉकेट साइकिल में रखकर लेकर गए थे और उन्हें उड़ाया। और पता है इसके पीछे उनके गुरु कहां, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उनके गुरु कहां, उनके गुरु ने उनको बोला था कि आपको पता है मेरे पास आज ही नासा में जॉब के लिए ऑफर है, वो इतना पैसा दे रहे हैं जितना मैं अपने जीवन में सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ ताकि आगे चल के तुम इसे दूसरों को दे सको। तो अगर आप सोचिए, ये बात मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ, आप उससे ज़्यादा ज्ञानी हैं, मैं बहुत छोटा हूँ आप सभी से, लेकिन सिर्फ इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। और ये मेरे भी शब्द नहीं है, ये मेरे गुरु के शब्द हैं और मैं अपने ही गुरुओं की बातों को आपको दोहरा रहा हूँ। आपको इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे पास आए थे, जब पहले दिन आए थे, हम पहले दिन से इनके साथ हैं, प्रभु जी, मैं, माता जी और यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं सब इनके साथ पहले दिन से, और हमने इनके अंदर बहुत सारी खूबियों को परखा है, देखा है, जाना है, बात किया है। ये हमसे ज्यादा ओपन हुए हैं, अपने पेरेंट्स से ज्यादा ये हमसे ज्यादा बातें की और उन्होंने अपने 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 हुनरों को बताया है। अब हम चाहते हैं कि आप भी उन हुनरों को पहचाने और इसको प्रोग्रेस, आपने देखा आपके सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई कोई टैलेंटेड होता है और कोई बहुत मेहनती होता है, तो हम दोनों बच्चों को उतना ही प्यार करना चाहिए और उतना ही उत्साह के साथ उन्हें बढ़ाना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने हमारे क्लास में, जिसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। हमारे जो साइंटिस्ट हुए एडिसन, तो जब वो छोटे थे, एडिसन जब छोटे थे तो वो डिसलेक्सिया के शिकार थे। डिसलेक्सिया एक बीमारी है जो कि छोटे बच्चों को होती है और बहुत सारे बच्चों को होती है, हम नहीं पहचान पाते, उसका लेवल्स होता है। तो वो डिसलेक्सिया के एकदम हाईएस्ट ग्रेड के शिकार थे और वो पढ़ लिख नहीं पाते थे, बिल्कुल पढ़ नहीं लिख पाते। और बचपन में उनके स्कूल से एडिसन को निकाल दिया गया, ये बोलकर निकाल दिया गया था कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। लेकिन उनकी माता पिता के पास एक लेटर आया इंग्लिश में लिखा था, वी आर रेस्टिकेटिंग योर चाइल्ड बिकॉज ही इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा लिखा गया। पर अब वो एडिसन को तो पढ़ना नहीं आता, तो एडिसन ने अपनी माँ के पास लेकर गया और बोला इसमें क्या लिखा है, तो उनकी माँ ने बोला इसमें लिखा है कि तुम इतने होशियार हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि तुमको स्कूल भी नहीं पढ़ा और तुम्हारे लिए हमारे पास कोई स्पेशल टीचर नहीं है, तो तुम घर में ही पढ़ेगा। और उनके माता पिता ने एडिसन को पढ़ाई कराई और एडिसन एक ऐसे साइंटिस्ट बने जिसने इलेक्ट्रिसिटी दी। आज अगर एडिसन नहीं होते तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो कि घर में आ रही। अब भगवान ने दिए हुए इस इलेक्ट्रिसिटी को एडिसन के माध्यम से हमारे पास लाया, तो एडिसन एक माध्यम है, पर उस माध्यम के पीछे उसे उत्साहने वाला कौन था? तो हम सभी, आप सभी से निवेदन करते हैं, मैं खुद भी दो बच्चे का पेरेंट हूँ और मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ, भले ही उसको इंग्लिश में कोई पोएम ना आए, भले ही उसको कोई क्लास में टॉप ना करे, पर उसका एक चीज बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वो है संबंध, रिलेशनशिप। मैं हमेशा ये चीज़ सिखाता हूँ, संबंध हमको आगे बढ़ाता है, संबंध से ही हम अपने जीवन को हासिल कर सकते हैं। आप हम
सब यहाँ हैं, इकट्ठा हैं आपके बीच में और हमारे बीच में एक संबंध है। इस संबंध के कारण आप हमसे जुड़े हुए हैं। आज आप अगर नहीं होते और आप अपने बच्चों को रेगुलरली नहीं लाते तो शायद हम भी ये इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं कर पाते। और आप और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है जिसको आपने इतना भरपूर तरीके से निभाया है, सुबह 9 बजे शाम बच्चे आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आप हमको वैल्यू करते हैं, आप हमारे लिए सोचते हैं, तो हम उसे कैसे जाने। अगर कोई बच्चा समय से आ रहा है इसका मतलब है कि उनके माँ बाप पूरी की पूरी तरह इस व्यवस्था से खुश है और प्रभावशाली। तो इसके कारण हमारे जीवन में जो हम एज ए टीचर हैं उनको समझना चाहिए कि इनके लिए समय की कितनी वैल्यू है। और मैं यही चीज सिखाता हूँ कि हमारे जीवन में संस्कार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये संस्कार हमको फाइनली भगवान से, ईश्वर से जोड़ता है। अगर कोई भी संबंध भगवान से नहीं जुड़ता तो वो खाली होता, पूरी तरह खाली होता है। अगर कोई भी रिलेशनशिप आप देख लीजिए आपके जीवन में, अगर आप उसको भगवान के साथ नहीं जोड़ते तो वो जीवन में एक बहुत ही अंदरूनी खालीपन लेकर आता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि इस अभी हमें हमारे बच्चे आंसर देंगे इसका। हमारे दुनिया में जो सबसे अच्छा फुटबॉलर है उसका नाम कोई बता सकता है? तो देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो सबसे बड़ा फुटबॉलर है, उसकी एक दिन की सैलरी हमारे सीएम से भी ज्यादा, इतना ज्यादा वो पैसा भी कमाता है और इतना अच्छा फुटबॉलर है कि पूरी दुनिया में जो 208 अब तो 209 कंट्रीज हो गए हैं सब जानते हैं। हमारे विराट कोहली को शायद 113 या 112 ही कंट्रीज जानते होंगे पर उसको 208 कंट्रीज सारे जानते हैं विराट। इवन हमारे यहाँ का विराट कोहली परमिशन लेता है कि काश क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ फोटो खिंचाने में, तो आप समझ रहे हैं कि इतनी महानता है। पर उस व्यक्ति ने क्या कहा जब उसे इंटरव्यू लिया गया, आप इतने अच्छे मुकाम में हैं आप तो सबसे ज्यादा खुश होंगे, उसने कहा मैं आज भी उन दो लोग को खोज रहा हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस करके वापस आता था और मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था तो दो महिलाएं मुझे खाना देती थी और ब्रेड देती थी, सुबह वो बर्गर खाता था, सुबह बर्गर देती थी जिससे मैं खेलने जा सका और आज मैं इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। आज भी मैं उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ। तो उसके अंदर अभी भी वो पीड़ा है, किस चीज की पीड़ा है? वो रिलेशनशिप की जो वो ढूंढ रहा है। ये जो है खालीपन लाता है हमारे जीवन और ये खालीपन को हमको हमेशा भरना है। तो अगर मैं सारे माता पिताओं से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस खालीपन को भर पाए, किससे भर पाए? ईश्वर के माध्यम से उसे जोड़ पाए, उस रिलेशनशिप को वापस से डेवलप कर पाए, अपने बच्चों को सही संस्कार देके और खुद भी उसका पालन करके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जी, तालियां से। और कृष्णा कांता तुलसी देवी दास माता जी अभी आए तो उनकी प्रस्तुति जी। और वी आल्सो रिक्वेस्ट आकांक्षा इधर से माता जी अब उपस्थित है। ओके, एक्चुअली आप देख सकते हैं माता जी जो हर रोज हो रहे हैं, आकांक्षा माता जी एंड नैना माता जी अभी आइए। ये दो माता जी हमारे बैकबोन है समर कैंप का, क्योंकि वो हर लोग हर रोज फोटोज वीडियोज और शेड्यूलिंग कृष्णा सेवा दास जी यहाँ उपस्थित है। अच्छा वो नहीं है क्या? ओके हरे कृष्णा। तो प्रभु जी हमारे ऑक्यूपेशन टीचर है, बच्चे लोग रोज सीख रहे थे ऑक्यूपेशन के बारे में, तो प्रभु जी सीख रहे थे। तो प्रभु जी आपके पास 30 सेकेंड है, कितना कितना? ओके, मैं बहुत बहुत धन्यवाद
महात्मा कि जो हमने बच्चों पर रहने के अमूल्य क्षण मुझे दिए हैं, इसके लिए बहुत खुश हूँ। क्योंकि भगवान का रूप होते हैं छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे मुझे मिले और मेरा जीवन धन्य हो गया दोनों प्रभुओं की कृपा से। समय की कमी कारण मैं ज्यादा नहीं करूँगा, धन्यवाद। सभी को दिनों का ऐसे विशेष करके कांचना चलो मतलब से बनाए हैं समय के कारण से मैं समय नहीं मिल रहा बोलने के लिए। अभी हम बच्चों के लिए हरी बोल।
प्लीज कम सर। अर्पिता मिश्रा प्लीज कम सर, ये सब फट से भर दो। अतुल शुक्ला सब बच्चों के।